इस वीडियो को मैं चार सीरीज में बनाने वाला हूं और इन चारों सीरीज में कोई भी एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें मैं आपको एक्चुअल टाइमलाइन बताने वाला हूं कि जब दिल्ली और गुड़गांव की कनेक्टिविटी खुलने वाली है या पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, पैकेज 4 के बीच में कनेक्टिविटी कब होने वाली है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कब दिल्ली और गुड़गांव आपस में कनेक्ट होंगे और जो गुड़गांव वाला सेक्शन है वो फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। अभी जैसे बहुत सारे जगह पे अगर आप फ्लाईओवर्स का यूज़ करना चाहते हैं तो वो फंक्शनल नहीं है, तो वो सारा भी फंक्शनल हो जाएगा। साथ ही साथ जो दिल्ली वाला सेक्शन है वो भी कब फंक्शनल होगा, इस वीडियो के चार सीरीज़ में मैं किसी एक सीरीज़ में ये बताऊंगा। जो आज का आप अपडेट देखने वाले हैं उस अपडेट को मैं यहाँ से शुरू करूंगा। ये सेक्टर 22 और 23 का रेड लाइट है द्वारका में। ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 है। ये भड़तल चौक है और ये जो आप देख रहे हैं ब्लू वाला, ये रैंप है। अगर यहाँ से अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो इसी रैंप के थ्रू आप नीचे उतरेंगे एलिवेटेड रास्ते में, तो आप यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ पे भारत वंदना पार्क की तरफ आप जा सकते हैं। और अगर आप भारत वंदना पार्क की तरफ से आ रहे हैं तो यहीं इसी रैंप से अगर आप ऊपर चढ़ेंगे यहाँ से, तो एलिवेटेड रास्ता लेकर आप यहाँ से गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। तो इस सेक्शन में क्या काम चल रहा है एलिवेटेड रास्ते में, मैंने आपको पिछले बार बताया था कि ये पूरा जो रास्ता है ये ब्लैक टॉप होने वाला है। तो ब्लैक टॉप का आज के डेट में क्या स्टेटस है, कौन कौन सा हिस्सा ब्लैक टॉप अभी होना बचा हुआ है या किस किस हिस्से में कितना काम अभी बचा हुआ है, जो एक्सपेंशन जॉइंट का काम है वो कहाँ तक पहुँचा है, ये जो दो बटरफ्लाई लूप आप देख रहे हैं, ये वाला बटरफ्लाई लूप और ये वाला बटरफ्लाई लूप, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसमें कितना टाइम लगेगा और इसमें कितना टाइम लगेगा, और आसपास में जो आपको लॉन्चर दिखेगा और लॉन्चर के थ्रू जो एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। दो ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट दो बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ, ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं मुझे उनके इन एंड आउट पता है, उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है, मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर, मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल स्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए, आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 2 का ये वो सेक्शन है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ब्लैक टॉप हो जाएगा रैंप और रास्ता। तो क्या वाकई में वो ब्लैक टॉप हुआ या नहीं, हम वो जानेंगे। मेरे साथ जय कुमार से अरविंद जी हैं, इनके साथ पूरा डिटेल जानेंगे और यहाँ पे क्या प्लान चल रहा है और क्या होने वाला है अभी अगले कुछ हफ्तों में, वो सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो मैंने आपको टाइमलाइन बताया था उस टाइमलाइन के अंदर अंदर रास्ता जो है यहाँ पे ब्लैक टॉप हो गया था।
मन तो ये था कि यहाँ से ड्राइव करता हुआ गुड़गांव की तरफ जाऊँ, बट और भी कुछ काम चल रहा है। वो क्या काम चल रहा है वो आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ से ड्राइव करके गुड़गांव की तरफ नहीं जा पाया। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, देखिए जहाँ पे मिट्टी आपको दिख रहा है ये रैम्प का पोर्शन है, दोनों ही तरफ यहाँ पे रैम्प का पोर्शन है। अभी जहाँ पे मैं फेस कर रहा हूँ, अगर आप गुड़गांव की तरफ से द्वारका की तरफ जाएंगे, सेक्टर 22-23 की तरफ जाएंगे, तो इसी जगह से जाएंगे, इसी रैम्प से आप नीचे उतरेंगे इस डायरेक्शन में आगे जाकर। और अगर आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाएंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो 3 लेन का फ्लाईओवर है ये वाला, इससे आप द्वारका सेक्टर 22 की तरफ से या जब आप भारतवन्ना पार्क की तरफ से आ रहे होंगे तो यहीं से आप फ्लाईओवर से चढ़ेंगे और यहाँ से आप आगे जाकर गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। अब इसमें ये वाला जो पूरा सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन को यानी यहाँ से लेकर जो नजफगढ़ कापासडा रोड है वहाँ तक पूरा रास्ता ब्लैकटॉप कर दिया गया है, पूरा ये रास्ता ब्लैकटॉप हो चुका है। अरविंद जी, हाँ जी, तो आज हम गाड़ी चलाकर जा क्यों नहीं पा रहे हैं आगे, चलिए ये भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे वो ये धूल कहाँ के आए हूँ बिल्कुल, और ऊपर से धूल का सामना हो गया। ये देखिए ठंड में वापस नहाना पड़ेगा। ये धूल जो है ना, ये एक्सपेंशन जॉइंट है यहाँ पे, जिसकी वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ से लेकर नजफगढ़ कापासडा रोड जो पूरा है वो पूरा रास्ता ब्लैकटॉप हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखिए ये पूरा रास्ता ब्लैकटॉप हो चुका था यहाँ से आगे तक, और एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा है जहाँ जहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट है, जैसे यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा है, यहाँ से अभी आपको मैं आगे ले जाऊँगा उस जगह पे, इस वाले पोर्शन में देखिए यहाँ पे भी एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा है। तो ये पूरे स्ट्रेच में एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा है, अदरवाइज ये एक्सपेंशन जॉइंट का काम नहीं चल रहा होता तो मैं आपको यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में ड्राइव करके गुड़गांव की तरफ ले चलता। फिलहाल आज के डेट में जब फिलहाल कुछ ही हफ्तों में जब इसको ओपन किया जाएगा पब्लिक के लिए, तो गुड़गांव का जो ट्रैफिक है जिसको द्वारका की तरफ जाना है वो इस डायरेक्शन में वापस के पीछे मेरे पीछे की तरफ मूव करेगा और द्वारका की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ठीक इसी के नीचे सेक्टर 22-23 का रेड लाइट हुआ करता था, यहाँ से थोड़ा सा आगे, यहाँ से 2 स्पैन आगे चले जाएंगे उधर तो सेक्टर 22-23 का रेड लाइट था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस जगह पे तो सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर, और पैसिफिक मॉल है। ये प्लेन टेक ऑफ करते हुए विजिबिलिटी अच्छी है तो प्लेन का टेक ऑफ भी आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे जो एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा है ठीक इसके सामने, अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये द्वारका का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, जिसमें फुटबॉल स्टेडियम है या फुटबॉल ग्राउंड है या हॉकी ग्राउंड जिसको बोलिए वो पूरा बन चुका है। यहाँ पे ट्रैक्स बन रहे हैं, वो ट्रैक्स का काम चल रहा है। बीच में जो आपको मिट्टी दिख रहा है वहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है, अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है वहाँ पे, बट ऑलमोस्ट जो सिविल वर्क था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसी वजह से आपको अंदर में कोई काम करता हुआ यहाँ पे दिखेगा नहीं। जो भी हमारे हीमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन है वो आपको यहीं पे दिखेंगे काम करते हुए। ये एक्सपेंशन जॉइंट में क्या कर रहे हैं? ये अभी इसको इंस्टॉल करेंगे, एक्सपेंशन जॉइंट को, ये इंस्टॉल हो गया है। तो ये 4 लेयर वाला एक्सपेंशन जॉइंट है जी, ये 3 मॉड्यूल एक्सपेंशन जॉइंट, 3 मॉड्यूल, 3 गैप है तो इसको 3। अच्छा, 3 गैप है तो 3 मॉड्यूल एक्सपेंशन जॉइंट हो गया। तो 3 मॉड्यूल वाला ही पूरे यहाँ से आगे तक में लगा हुआ है? नहीं, हर जगह अलग अलग है, डिजाइन के हिसाब से कहीं 3 मॉड्यूल है कहीं 2 मॉड्यूल लगता है। आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे 3 लगना है या यहाँ पे? ये वो एक्सपेंशन कैलकुलेशन होता है इसमें डिजाइन के हिसाब से। अच्छा। तो जहाँ पे ज्यादा एक्सपेंशन आ रहा है वहाँ पे हम 3 मॉड्यूल यूज करते हैं, और जहाँ कम आ रहे हैं वहाँ 2 मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। तो ऐसा जैसे मैंने तो आपके एलिवेटेड रास्ते में बहुत गाड़ी चलाया, अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है, बट नॉर्मली जब हम एक्सपेंशन जॉइंट को क्रॉस करके आगे मूव करते हैं तो वो गाड़ी की घट करके आवाज आती है, जो कि यहाँ पे नहीं होती है। ये कम आएगी, इसमें कम आएगी, इसमें कम आएगी ये चीज़। ओके, तो मतलब राइड क्वालिटी को एनहांस करने के लिए भी होता है ये 3 मॉड्यूल और 2 मॉड्यूल। तो अभी इसमें क्या काम चल रहा है और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये इसमें 3 दिन लगते हैं हार्डली, तो 3 दिन में ये वाला पूरा स्ट्रेच कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाता है। उसके बाद 15 दिन हम कंक्रीट करने के बाद क्यूरिंग के लिए छोड़ देते हैं, तो 15 डेज। हम तो ये मान के चले कि हम फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक ये पूरा कंक्रीट होके क्यूरिंग का काम हो चुका होगा। लेकिन क्यूरिंग का काम के लिए 15 डेज लगेगा। मतलब सेकंड वीक ऑफ फेब मान लेते हैं, सेकंड वीक ऑफ फेब, फेब 2024। अब कितने जगह ये एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा है और ये पूरा 4 जगह चल रहा है अभी? ओके, तो ये पूरे स्ट्रेच में सिर्फ 4 ही एक्सपेंशन जॉइंट है? नहीं, और भी है, वो दूसरे वाले जो एक्सपेंशन जॉइंट आएंगे वो हमारे जो मर्जिंग वाले पोर्शन है लूप के साथ जी, तो वो जब लॉन्चिंग हो जाएगा पूरा और बेयरिंग फिक्सिंग हो जाएगी तब उसके साथ एक्सपेंशन जॉइंट लगेगा। तो आगे चलते हैं, जो आगे वाला एक्सपेंशन जॉइंट है ना जहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट में लॉन्चर दिख रहा है वहाँ लेके आपको चलता हूँ, और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें इस तरफ तो ये बटरफ्लाई लूप है, और बटरफ्लाई लूप के पीछे अगर आप देखेंगे तो यशोभूमि है। यशोभूमि में अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, मुझे दिख रहा है, अगर आपको भी दिख जाएगा, यहाँ पे देखिएगा सिर्फ एक छोटा सा जो पैनल है ना यहाँ रेड कलर का,
ये देखिए एक ही पैनल यहाँ पे जल रहा है, शायद कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहे होंगे तो एक पैनल में आपको रेड कलर दिख रहा होगा, बाकी सारा जो पैनल है ये ऑफ है। ये बेसिकली थ्रेड पैनल है, एलईडी पैनल नहीं है, ये थ्रेड पैनल है, बट इंडिया का सबसे बड़ा पैनल आप इसे कह सकते हैं। इस पॉइंट में अरविंद जी टोटल अब कितने स्पैन बचे हैं? दो स्पैन मुझे दिख रहे हैं, दो स्पैन बचे हैं, दो स्पैन और एक यू गटर, तीन मान लीजिए। तो कितने टाइम में ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा? ये हमारा जो भी फरवरी तक, फरवरी सेकंड वीक तक हो जाएगा ये, मतलब 14th फरवरी वैलेंटाइन डे तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ओके, और यहाँ पे इस तरफ वाला जो बटरफ्लाई लूप है बस डिपो के पास वाला, टाइम लगेगा ये जाएगा आपका मई तक, मई 2024 तक, मई तक, क्योंकि इसमें वो सेगमेंटल भी आएंगे बीच में। ओके, जो थोड़ा टिपिकल होते हैं जी, तो इसके लिए उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, यू गटर सेगमेंटल आएंगे। तो अभी यहाँ पे क्या काम हो रहा है? अभी इसमें सिस्मिक अरेस्टर की कास्टिंग चल रही है। किसकी? सिस्मिक अरेस्टर। ओके, वो क्या होता है? वो जब ये जब इस वो आता है अर्थक्वेक आता है, हाँ? तो जो स्पैन में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट होते हैं जी, तो उसको लॉक करके रखता है इस। अच्छा, तो उसकी कास्टिंग ये चल रही है। अच्छा, वो जो ऊपर में स्क्वायर कलर का क्यूब सा बना रहता है जिसमें आप जाके उसको मेल फीमेल को फंसा देते हैं। अच्छा ओके, और यहाँ से अगर मैं आपको आगे दिखाऊं, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सेक्टर 21 का यहाँ पे पार्किंग है पैसिफिक मॉल का, और ठीक उसी के पास इस पॉइंट में मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का, जहाँ पे आपको दो बॉक्सेस दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये वाले बॉक्सेस, यहीं पे 8 बॉक्स वाला अंडर पास है जहाँ पे पैकेज 2 खत्म होता है और पैकेज 1 वहाँ पे शुरू हो जाता है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको दिखाना ही भूल गया, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, आज हवा भी तेज है, मतलब जब भी मैं इंडिया का फ्लैग देखता हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। तो ये वाला जो डायरेक्शन है यहाँ से गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जाएंगे, फिलहाल हम इसके अपोजिट चल रहे हैं, अपोजिट चल के यहाँ पे जो काम चल रहा है आगे वो आपको दिखाता हूँ। आगे देखिए आप दो लॉन्चर आपको दिखेंगे, आपके लेफ्ट में लॉन्चर है और राइट में लॉन्चर है। तो लेफ्ट और राइट वाला जो लॉन्चर है, राइट वाला जो लॉन्चर है वो तो बटरफ्लाई लूप के लिए है, ये जो लेफ्ट वाला लॉन्चर है यहीं पे 3 स्पैन बचे हुए हैं राइट, तो इसके बाद इस लॉन्चर के उधर भी तो एक लॉन्चर था, उसको हमने हटा दिया। तो अब एक ही लॉन्चर का काम लगा दिया लूप वाले। अच्छा, उस लॉन्चर को हटा के आपने यहाँ पे लगा दिया। जो सबसे आखिरी लॉन्चर है जो उतरेगा यहाँ पे, वो कौन सा लॉन्चर है? ये वाला नहीं, ये वाला या यहाँ पे भी लॉन्चर लगेंगे? नहीं, वहाँ लॉन्चर नहीं लगेंगे, वहाँ तो ऐसे ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम से ही करेंगे। ओके, ये वाला लॉन्चर जो है लेफ्ट वाला, हाँ, सबसे लास्ट में जाएगा। ओके, अब मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट में जो क्रैश बैरियर्स हैं उनको पूरा बना भी दिया गया है और उसको पेंट भी कर दिया गया है। जहाँ पे भी एक्सपेंशन जॉइंट का काम चल रहा है वहाँ का जो क्रैश बैरियर है उसकी अभी कास्टिंग बची हुई है, और इसमें अगर आप देखें तो पूरा कलर भी कर दिया गया है। और वहाँ पे देखिए कास्टिंग होने से पहले इस तरीके से साफ किया जा रहा है, पूरे डस्ट को हटाया जा रहा है, और डस्ट जब पूरा हट जाएगा उसके बाद ही वहाँ पे कंक्रीट और ये सब का काम शुरू किया जाएगा। मेरे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आप सोसाइटीज़ देख रहे हैं ये सेक्टर 23 है द्वारका का, राइट हैंड साइड में जो सोसाइटीज़ देख रहे हैं ये सेक्टर 22 है द्वारका का, ये जो पूरा पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पोचनपुर गाँव है यहाँ पे पूरा, और यहाँ पे भी आप देखिए एक्सपेंशन जॉइंट को जोड़ने वाला काम किया जा रहा है। और ये जो पूरा हिस्सा है अगर आप देखेंगे तो ब्लैक टॉप ऑलरेडी हो चुका है जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये वाला एडवांस स्टेज में है या जो हमने देखा था वहाँ पे वो एडवांस स्टेज में है? वो वाला है एडवांस स्टेज, अभी तो कटिंग चल रही है, कंक्रीट कटिंग। अच्छा, अभी इसमें कंक्रीट कटिंग चल रही है जी। तो ये कितने दिन के बाद उस वाले स्टेज में पहुंच जाएगा? 3 दिन लग जाएगा, वो 2 दिन में। अच्छा, उसका एक दिन पहले आपने शुरू किया था। ओके, मुझे एक और प्लेन टेक ऑफ करता हुआ, मैं बीच में ट्रैवल कर रहा था और मैं यहाँ से 3-4 स्टेट गया, पहले तो हिमाचल प्रदेश गया, वहाँ पे कुछ रिव्यूज बनाने थे मुझे। ये बताइएगा कौन सा प्लेन है? तो मैं आपको ये बताया था कि मैं ट्रैवल कर रहा था जिसकी वजह से मैं ये अपडेट्स नहीं शेयर कर पा रहा था। तो पहले मैं हिमाचल प्रदेश गया, वहाँ पे कुछ रिव्यू शूट थे उसको किया, उसके बाद मैं बैंगलोर गया, बैंगलोर में काफ़ी लंबा टाइम वहाँ पे रुका, वहाँ पे भी काफ़ी सारे काम थे ऑफिस के उनको पूरा किया। बट जब बैंगलोर जा रहा था मैं, वो मैंने फ़्लाइट से
फ्लाइट लिया था आने जाने के लिए बैंगलोर, टाइमिंग्स रखा था दोपहर का, बट हुआ ये कि फ्लाइट इतनी डिले हुई आने वाली जाने वाले टाइम में तो मैंने रिकॉर्ड किया, बट ऐसा कुछ खास धुंध में दिख नहीं रहा था, फॉग काफ़ी था, बट वापस आने टाइम थोड़ा सा फॉग कम था, बट वो फ्लाइट इतनी डिले हो गई कि लैंडिंग था शाम को 4 बजे के आसपास, वो फ्लाइट लैंड हुआ तकरीबन 7 बजे के आसपास, तब तक अंधेरा हो चुका था। मुझे ये लगा था कि मैं दोपहर के फ्लाइट के टिकट्स कराऊंगा तो दिन दिन में रिकॉर्ड करके ऊपर से भी दिखा दूंगा कि कितना काम हो गया, लेकिन वो कर नहीं पाया मैं। दोबारा जब ट्रैवल करूंगा तो ऊपर से फिर से आपको दिखाऊंगा। देखिए इससे पहले जब मैं वीडियो बनाया था मैं उस सेक्शन से बनाया था, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ भड़तल चौक के ऊपर। ये सामने नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये भड़तल चौक है, ये जो लॉन्चर आपको दिख रहा है इसी लॉन्चर से एक स्पैन और दो स्पैन, ये दो स्पैन और जोड़ना है यहाँ पे, आप देखिए एक स्पैन यहाँ बचा हुआ है, एक स्पैन यहाँ बचा हुआ है। ये वाला जो पोर्शन है इसको ऐसे ही, ये जो गटर आपको दिख रहा है इसी गटर को यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा, करेक्ट। ये वाला एक गटर यहाँ पे आएगा और ये दो स्पैन बचेंगे जी, और ये वाला जो आप दिखा रहे थे अर्थक्वेक के लिए जो आप बताया था यही चीज सेस्मिक वाला, वहाँ पे वो जो मैंने आपको पोर्शन दिखा था, ये वाला जो आप देख रहे हैं जहाँ पे ये क्रेन काम कर रही है, यही चीज वहां पे बन रहा था। ये गर्डर इसके ऊपर रखना और ये दोनों स्पैन ये नेक्स्ट 2 वीक में आप कंप्लीट कर देंगे। ऑलराइट, इसके बीच में क्या होगा, ये जो पूरा खाली है ये डीडीए का लैंड है, तो इसमें क्या हॉर्टिकल्चर होगा क्या होगा? नहीं, ये डीडीए डेवलप करेंगे जो भी उसको रिव्यू करना है। ओके, बट फ्लाईओवर के नीचे वाला हिस्सा तो आपका लैंड है, उसमें हॉर्टिकल्चर का काम होगा। हॉर्टिकल्चर, ओके। यहाँ पे एक चीज अगर आप देखें तो देखिए ये जो स्टेडियम है या ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसमें कुछ तो रेस्टोरेंट जैसा खुल रहा है और यहाँ पे लिखा है आई एम ऑन द वे कमिंग सून, तो ये भी बहुत जल्द ओपन हो जाएगा। ये वाला जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं इसमें सारे स्पैन आगे से लेकर यहाँ तक सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये जो स्पैन है इसके नीचे जो कंक्रीट होना था सरफेस में स्पैन के वो भी कंक्रीट हो चुका है पूरा। नहीं, अभी 3 में डेक स्लैब का काम बचा हुआ है ना, ये यहाँ पे 3 में लगा मिला, बाकी ये सारे में डेक स्लैब का काम हो गया, इनको छोड़ के एक मतलब एक इसमें और एक इसमें, दो यहाँ और 3 वहाँ, मतलब 5 में डेक स्लैब का काम अभी होना बाकी है। इसमें ब्लैकटॉप का काम कब शुरू करेंगे? ये हम फरवरी लास्ट वीक तक स्टार्ट करेंगे, फरवरी एंड तक। देखिए यहाँ से एक और चीज आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अगर आपको जूम करके दिखाऊं मैं, ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला शिप जैसा जो दिख रहा है आपको, ये चिंतल्स कॉर्पोरेट पार्क है यहाँ पे, ये वाला अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में वो भी यहाँ से नजर आ रहा है, आज विजिबिलिटी काफी अच्छी है। ये वाला जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये टाटा लाविडा और गुड़गांव गेटवे है, SBL और टाटा का प्रोजेक्ट, और यहाँ अगर आप देखें तो यशो भूमि ये आपको दिख रहा है, यहीं से पीछे जो है शोभा सिटी भी दिख रहा है, बट शायद लोग कैमरे से इतना क्लियरली नजर नहीं आएगा। ये जो छोटी वाली बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, इसके पीछे अगर आपको धुंधला सा दिख रहा हो कुछ शेप, तो वो शोभा सिटी है यहाँ से। और यहाँ इस पॉइंट से अगर आगे आपको दिखाऊं, यहाँ से आगे देखिएगा बिल्कुल इस, ये जो दो मेरे फिंगर है ना इनके बीच में देखिएगा, यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये एंथ्रियम कैपिटल है, सेक्टर 113 में, यहीं पे मेरा ऑफिस है जो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ से ऑपरेशनल हो जाएगा, सेक्टर 113 वाला जो SCO है वहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये लॉन्चर से यहाँ पे सेगमेंट को लॉन्च किया जा रहा है नीचे, सेगमेंट को अगर मैं अभी यहाँ साइड से दिखाता हूँ, ये देखिए वहाँ पे उस पॉइंट में दो सेगमेंट्स रख दिए गए हैं। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने भड़तल चौक वाला वीडियो देखा था तो मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा स्पैन जो है वो वहाँ कहीं नीचे में था, उसी तरीके से जब आप गुड़गांव की तरफ से द्वारका की तरफ आएंगे तो यहाँ का जो सबसे छोटा स्पैन है वो यही वाला स्पैन है जहाँ पे इसका लेग्स रखे हुए हैं इस लॉन्चर के, और उसके पीछे जो सेगमेंट को कास्ट किया जा रहा है 3 या 4 ही सेगमेंट लगेंगे उसमें और ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बचा होगा जो इस लॉन्चर के थ्रू सेगमेंट्स को प्लेस किया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए आपको यहाँ पे दो लॉन्चर दिखेंगे, एक लॉन्चर यहाँ पे दिख रहा है, अगर वो लॉन्चर हटा दिया तो वो क्या है फिर? ये वाला लॉन्चर उतार देंगे, वो वाला लॉन्चर बचेगा लास्ट में, वो जो लास्ट वाला है। अच्छा, तो ये लॉन्चर वो है जिससे आप ये लूप वाले बना गए थे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको 3 लॉन्चर दिखेंगे, एक यहाँ पे लॉन्चर, एक यहाँ पे लॉन्चर, एक वहाँ पे लॉन्चर। ये जो लॉन्चर आप देख रहे हैं ना इसको उतार दिया जाएगा, ये
लूप जो आप देख रहे थे, जैसे ये वाला जो बटरफ्लाई लूप है आपने यहाँ पे देखा, ये वाला बटरफ्लाई लूप, इसी के अपोजिट में जो दूसरा वाला बटरफ्लाई लूप है उस तरफ, उसको ये लॉन्चर लगाते हुए आगे तक आ चुकी है भड़तल चौक तक। इसको अब यहाँ से उतार दिया जाएगा, इसका काम खत्म हो गया है। वहां पे उस पॉइंट में भी दो लॉन्चर लगे हुए थे, इसके आगे जो लॉन्चर था उसको उतार कर यहाँ पे लगा दिया गया, ये वो लॉन्चर है। और एक लॉन्चर जो है आपको वहां पे ऑलरेडी दिख रहा है, तो वहां पे जो तीन स्पैन का काम बचा हुआ है वहां पे चलूंगा अभी, और वहां पे जो स्पैन का काम होने वाला है उसके बारे में बताऊंगा। वहां चलने से पहले ये वाला जो सेक्शन है ये आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो सामने आप लॉन्चर देख रहे हैं, इसका काम अब मोर और लेस खत्म हो गया। अब इनका इनको हम थैंक यू करेंगे, गुड बाय टाटा करेंगे कि इस लॉन्चर का काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो दो लॉन्चर आपको दिख रहे हैं ये लास्ट तक अभी कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से ये बीच वाला जो लॉन्चर आपको दिख रहा है ये सबसे आखिरी में यहाँ से उतरेगा। इसके बाद जो नजफगढ़ कापसगढ़ रोड में भी लॉन्चर लगा हुआ था, उस लॉन्चर का काम कंप्लीट हो गया, उसको हटा दिया गया, उसको डिसमेंटल कर दिया गया। जब मैं यहाँ से वहाँ आगे चलूंगा तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ICC बिल्कुल सामने, ये जो भी हैंगर है ये वीडियो में ऐसा लग रहा है देखिए ICC को लिफ्ट किया हुआ है इसने। ठीक है, तो ICC में भी बहुत सारे फंक्शंस ये सब शुरू हो चुके हैं। बाकी यहाँ पे आप देखें तो वो एक पैनल जो था वो थोड़ा सा और लंबा हो गया, ऊपर से नीचे तक चला गया इसका लाइट, तो कुछ टेस्टिंग चल रहा है वहाँ पे। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पोर्शन तक देखिए यहाँ पे ये पूरा ब्लैक टॉप कर दिया गया है। इसके आगे भी ब्लैक टॉप हो गया है अरविंद जी, या यहीं तक ब्लैक टॉप हुआ है? अभी यहीं तक हुआ है, आज में हो जाएगा, आज में ब्लैक टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे छोड़ दिया था जी, पंचिंग आ रही थी इसके लिए बीच में छोड़ा था जी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे मर्जिंग हो रहा है ट्रैफिक का, मतलब यहाँ के ट्रैफिक इस लूप को ले सकते हैं और यहाँ से नीचे से एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे मर्जिंग हो रहा था, इस वजह से इस लूप में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो सेगमेंट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इसमें ब्लैकटॉप अभी नहीं हुआ है, इसमें ब्लैकटॉप का काम होगा। लेकिन इसके अगर आगे मैं जाऊँ तो आगे आज वहाँ पे ब्लैकटॉप का काम चल रहा है, राइट, पूरा आज विजिबिलिटी इतनी अच्छी है कि यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए बीचों बीच देखिएगा, यहाँ से मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, फेंसिंग दिखेगी वहाँ पे। ये देखिए ये द्वारका का जो गोल्फ कोर्स है, ये देखिए पीछे जो बाउंड्री वॉल्स आपको दिख रहा है ये द्वारका का गोल्फ कोर्स है, वहाँ पे उसकी फेंसिंग है। ये जो नीचे रास्ता दिख रहा है यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो यहाँ से UER2 की तरफ चले जाएंगे, रोहिणी की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं मैं इस पोर्शन में, तो देखिए 1, 2, 3 स्पैन को रख दिया गया, चौथा स्पैन यहाँ पे आज अभी थोड़ी देर में रख दिया जाएगा। नीचे ट्रेलर जो है वो खड़ा हुआ है। इस पूरे पोर्शन में ब्लैक टॉप करने से पहले स्प्रे होता है, जूता फिर से तो खराब नहीं हो जाएगा। प्राइम कोट बोलते हैं, प्राइम कोट, मेरे 4 जूते खराब हो चुके हैं, मैं नहीं चाहता और जूते खराब हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं और रिस्क नहीं लूंगा, यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा प्राइम कोट यहाँ पे कर दिया गया है, जिसमें जो लूप वाला पोर्शन है उसको अभी छोड़ दिया गया है, लूप के बाद वाला जो पोर्शन है उसमें प्राइम कोट कर दिया गया। और आज में ये रास्ता भी, ये वाला पूरा पोर्शन ब्लैक टॉप हो जाएगा रात तक। ब्लैक टॉप में देरी क्यों हुई थी? ये एक तो Grab 3 लग गया था, उसके कारण 10 दिन हमारे वेस्ट हो गए जी। और फिर उसके बाद 2 दिन अभी 26 जनवरी का था जी, उसके कारण भी डिले हो गया, उसके कारण गाड़ियां। सो टोटल 12 डेज बंद हो गया। ओके, इस लॉन्चर को तब उतार ही दे रहे हैं ना? पूरा उतार रहे हैं इसमें। ठीक है, अब इस पॉइंट में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे नीचे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भड़तल चौक है, और ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है जहाँ पे लेन मार्किंग कर दी गई है, देखिए आपको लेन मार्किंग यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ से UER2 का जो ट्रैफिक है या ICC का जो ट्रैफिक है उसको एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो वो इस तरफ वाला रास्ता यूज़ करेंगे, और एयरपोर्ट के ट्रैफिक को अगर ICC की तरफ जाना है तो ये वाला पोर्शन का लेन वो यूज़ करेंगे, या धुलसरस की तरफ जाना है तो यहाँ वाला पोर्शन यूज़ करेंगे। यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे जहाँ खत्म होगा वो UER2 के साथ जाकर आगे मिल जाएगा, धुलसरस चौक के ऊपर से क्रॉस करता हुआ। यहाँ से आप नजफगढ़ की तरफ, यहाँ से आप बहादुरगढ़ की तरफ, यहाँ से आप सोनीपत की तरफ, यहाँ से आप रोहिणी की तरफ, यहाँ से आप GT करनाल रोड की तरफ, इन सब जगह इजीली पहुँच पाएंगे। आज के डेट में जो आपके 1.5 से 2 घंटे या कभी कभी 2.5 घंटे भी वेस्ट होते हैं क्योंकि आपको वेस्ट दिल्ली की तरफ से घूम के जाना पड़ता है, वो सब कुछ इतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से जो GT करनाल रोड है आप हार्डली मान के चलिए कि 1/2 आवर में पहुँच जाएंगे। और यहाँ से पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए उन सब रेसिडेंट्स के लिए ये कहना चाहूँगा कि अब दिल्ली दूर नहीं है, कनेक्टिविटी बहुत जल्द होने वाली है। जब जो डेट आप सोच रहे हैं उस डेट से पहले कनेक्टिविटी होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास का बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि कनेक्टिविटी में और अभी कितना टाइम लगना है और वहाँ पर क्या स्टेटस है। अब एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, अभी मैं इससे पहले आगे था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंशन जॉइंट का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर जो ये ब्लैक टॉप किया गया, इस पूरे मटेरियल को यहाँ से निकाला जाएगा
और उसके बाद एक्सपेंशन जॉइंट का काम किया जाएगा। यहाँ पे देखिए गड्ढे भी हो गए, यहाँ पे तो ये नीचे गड्ढा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रास्ता ब्लैकटॉप हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं ब्लैकटॉप हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे अभी सेगमेंट लगना है, तो जब ये सेगमेंट्स यहाँ पे लग जाएंगे, जैसे आगे लग रहा है ये सेगमेंट, जब यहाँ पे लग जाएगा तो एक साथ उस एंड से लेकर ये पूरा जो यहाँ से लेकर आगे तक है वो एक साथ एक्सपेंशन जॉइंट का काम इसमें होगा, जिसमें अभी कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम है। देखिए इससे पहले जब मैं वीडियो आपको बना था उस लॉन्चर की तरफ से बनाकर दिखा रहा था, अब मैं वापस वहाँ पे आ गया हूँ जहाँ से हमने वीडियो को शुरू किया था। यहाँ से क्रॉस करते हैं, क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता हूँ, वहाँ पे जो काम चल रहा है बटरफ्लाई लूप का वो आपको दिखाता हूँ। देखिए इससे पहले उस तरफ से बना रहा था मैं वीडियो, अब मैं सेक्टर 22 की तरफ आ गया हूँ। सेक्टर 22 में अगर आपको दिखाऊँ तो सेक्टर 22 का जो यहाँ पे आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, इसके ठीक नीचे सेक्टर 22 और 23 का जो रेड लाइट था ठीक इसके नीचे था, एक स्पैन अगर आगे चले जाते हैं जहाँ से ये बस जा रही है, यहीं से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आगे सेक्टर 21 वाला मेट्रो स्टेशन आ जाता है, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है यहाँ पे। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए ये वाला जो लूप है, इसमें ये वाला जो लॉन्चर आपको दिख रहा है, ये लॉन्चर से यहाँ पे जो सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनको लगाया गया था और उसके बाद अब इस लॉन्चर को उतारा जा रहा है, जिसको आपको मैंने सामने से दिखा दिया था। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक दो गडर यहाँ पे लगने, जो इधर आपको दो गडर लगने, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, पाँच गडर यहाँ पे लगने, पाँच, ये बीच में यू गडर सेगमेंटल आएंगे जी, तीन जहाँ पे व्हाइट वाला दिख रहा है आपको, व्हाइट व्हाइट वाले जो पोर्टल दिख रहे हैं जी वहाँ पे, और ये वाले पियर पे, करेक्ट, और उसके बाद सारे यू गडर फुल स्पैन ऐसे ऐसे टाइप के, राइट। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि ये वाला जो लूप था इसका काम जल्दी हो गया और इसका काम इसमें टाइम लग गया इस काम को करने? यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और एनएचए के बीच में लैंड का डिस्प्यूट था, ये जो तीन पोर्टल देख रहे हैं ये वाले जिसको व्हाइट वाला किया, इसी को आपने सबसे आखिरी में किया था, ये आखिरी में किया, ये इसका काम इसलिए देरी में हो क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दिया नहीं था एनएचए को, ये एनएचए का बीच डिस्प्यूट था तो उसके कारण ये वाले पोर्टल तीनों डिले हो गए। तो ये आपको कब मिला, कब यहाँ पे काम करने के लिए? ये हमें मई में मिला, लेकिन उसके बाद भी डिस्प्यूट कुछ चलते रहा तो जाके अक्टूबर में क्लियर हुआ। अच्छा, अक्टूबर 2023। तो मेन हम मान के चले कि अक्टूबर 2023 से इस वाले तीन पोर्टल बीम पे आपने काम करना शुरू किया था जी। ओके, अब आज के डेट में कोई डिस्प्यूट कुछ नहीं? अभी है, नहीं, अब खत्म। ऑल राइट, यहाँ पे अगर आप देखें नीचे की तरफ आपको दिखाता हूँ, देखिए हमारे सारे हीमैन सुपरमैन स्पाइडरमैन आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ये देखिए टोटल यहाँ पे अगर मैं वर्कफोर्स की बात करूँ तो कितना मैन पावर होगा यहाँ पे? यहाँ पे 800 सिर्फ इस बटरफ्लाई लूप के लिए, या पूरे पैकेज टू के लिए? पूरे पैकेज टू के लिए भी 800 के करीब है। एक टाइम था जब यहाँ पे 2,500 भी थे, कम क्यों हो गए? अब ये बहुत सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, कास्टिंग सेगमेंट कास्टिंग कंप्लीट हो गई, कास्टिंग यार्ड बंदी हो गया होगा जी जी, और फिर लॉन्चिंग का काम भी ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे है, और मैंने जो लगभग बड़े बड़े स्ट्रिंग्स है वो कम्प्लीट ही हो गए हैं जी, और रोड वर्क का काम भी आपका 80% कम्प्लीट ही हो गया है, एट ग्रेड रोड का जी, तो उसके कारण कम कर दिया। एक और बड़ा अच्छा चीज़ दिख रहा है मुझे, और उससे बड़ा पॉजिटिव वाइव मिल रहा है मुझे, मैं वो दिखाना चाहता हूँ सबको। ये वाला जो आप पिलर देख रहे हैं ना, ये वाला पिलर, इसमें ये जो दो बॉक्सेस दिख रहे हैं पिलर के ऊपर, इसके बीचों बीच देखिएगा बर्तल गांव में, यानी सेक्टर 26 में जो मंदिर है ना दादा देव का, ये वाला देखिए। अच्छा, ये मंदिर यहाँ पे दिख रहा है, और इससे मुझे याद आया कि आप सबने राम मंदिर का तो भव्य दर्शन कर लिया होगा टीवी पे, बट एक छोटा सा राम मंदिर ना द्वारका एक्सप्रेसवे में भी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जल्दी। अगर आपको जानना है कि वो मंदिर कहाँ है द्वारका एक्सप्रेसवे में, किस जगह पे, अगर आपको पता तो कमेंट करके बताइए, अगर आपको नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं कि वो कहाँ पे आपको दिखेगा, एक राम मंदिर का छोटा सा रेप्लिका आपको कहाँ पे दिखेगा द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1, 2, 3, 4 में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नहीं जानते तो कमेंट करके पूछिएगा या रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर वहाँ का भी वीडियो अप्रूवल लेने के बाद बनाकर आपको दिखाऊंगा। अब देखिए इस समय मैं सेक्टर 22 की तरफ देख रहा हूँ, और फ्लाईओवर की अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे तो आपको सर्विस रोड दिख रहा है, जो सोसाइटीज़ में जाने के लिए ये सर्विस रोड है, जिसमें ब्लैक टॉप ऑलरेडी आपको दिख रहा है, लेकिन इस पोर्शन में देखेंगे फ्लाईओवर के साथ साथ तो यहाँ पे देखिए गड्ढा किया हुआ है इस पोर्शन में। यहाँ पे ड्रेन का काम चल रहा है, ड्रेन के काम होने के बाद यहाँ पे 3.5 मीटर का रोड बना दिया जाएगा। इस रोड में जो द्वारका एक्सप्रेसवे का रोड होगा, अगर आप भारत वन्ना पार्क की तरफ से आ रहे हैं और फ्लाईओवर पर नहीं चढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास प्रोविजन होगा कि आप नीचे जो सर्विस लेन है सरफेस रोड का, आप उसको लेकर यहाँ पे आए, और यहाँ से आप सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन की तरफ मुड़ जाएं, और जो यहाँ के रेसिडेंट हैं उनके लिए प्रोविजन, जैसे अभी सर्विस लेन बना हुआ है ऐसी सर्विस लेन आगे भी फ्यूचर में रहेगा, लेकिन सर्विस लेन और ये जो सरफेस रोड का जो सर्विस लेन है
इन दोनों के बीच में एक डिवाइडर जरूर होगा कि ट्रैफिक जो है इधर से उधर बीच में कहीं मर्ज नहीं हो जाए। इनकी जो मर्जिंग होगी ट्रैफिक की, जो डेजिग्नेटेड जगह है वहीं सही होगी। और यहाँ पे अगर आप देखें इस पोर्शन में, अगर मैं आपको दिखाऊं जहाँ पे ये आपको सिल्वर कलर की कार दिख रही है, यहाँ पे बड़ा सा एक डायरेक्शन बोर्ड लगेगा दोनों ही तरफ। एक जब आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ आ रहे होंगे उसके लिए डायरेक्शन बोर्ड लगेगा, और जब आप गुड़गांव की तरफ से द्वारका की तरफ जा रहे होंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड से, वहाँ पे भी एक डायरेक्शन बोर्ड लगेगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।